सीओ में पाकिस्तान के मौका पर डीसी ऑफिस मुल्तान में परचम कुशाई की तकरीब, रेस्क्यू दस्ते की सलामी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान और एसएसपी ऑपरेशन जिशान हैदर समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजफ्फरगढ़ में कचहरी चौक पर भी परचम कुशाई की तकरीब, डिप्टी कमिश्नर अमजद शोएब तुरीन, डीपीओ हसन इकबाल समेत दीगर की शिरकत। रहीम यार खान के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यूवे पाकिस्तान की तकरीब और परचम कुशाई, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद और सीईओ एजुकेशन समेत दीगर अफसरान और तलबा की शिरकत। दूसरी जानब खानपुर म्यूनिसिपल कमेटी में भी तकरीब, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ छीना ने परचम कुशाई की। सरगोधा में कोरोना वायरस से एक और जिंदगी निकल गया, एक ही रोज में मजीद 102 मरीजों में कोरोना की तस्दीक। मुल्तान में 35 और रहीम यार खान में 17 अफराद मूजी वायरस का शिकार। बहावलपुर में 14, मुजफ्फरगढ़ में 10, मियांवाली में 8 मरीज रिपोर्ट हुए। रहीम यार खान में 13 मरीजों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी। कोरोना से लड़ने वाले मसीहा वायरस के निशाने पर शेख सैद अस्पताल रहीम यार खान के डॉक्टर मोहम्मद बिलाल कोरोना से मुतासिर। दही हेल्थ मर्कज मियांवाली करेशिया का डिस्पेंसर और ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के 3 तलबा वायरस में मुब्तला। गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर अरानिया की 1 तालिबा का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। मुल्तान भर में कोरोना 120 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 12 दुकानें और 1 रेस्टोरेंट सील कर दिया गया। 120 के खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1,51,000 रुपये जुर्माना आए। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में कारोबार रात 8 बजे बंद करने का फैसला। मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, हानेवाल समेत सराकी खत्ते के बाकी हुकूमती फैसले से खुश। इंतजामिया के साथ तावुन के लिए तैयार। सुबह सवेरे मार्केट्स खोलने की तजवीज का खैर मकदम किया। कहते हैं मुश्किल की इस घड़ी में ताजर और आम शहरियों को मिलकर हुकूमत का साथ देना होगा। और मुल्तान और बहावलपुर में हालिया बारिश से मौसम खुशगवार, जिले भर में हुमकी बढ़ गई। लैया में 2 दिन आसमान पर बादल छाए रहने और बारिश के बाद सूरज निकल आया। कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।